जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी। ये जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे, जो काम किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसकी बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग इसमें पावर के बारे में बात करेंगे। पावर बेसिकली कुछ नहीं होता है, काम करने की रेट होती है। तो ये चैप्टर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसके सवाल जो है बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ये इस कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी जो है, फिजिक्स के अंदर कोई भी चैप्टर उठा लोगे तो उसके अंदर एनर्जी जरूर आएगा, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो ऑप्टिक्स हो। इनफैक्ट फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स की हर ब्रांच एक खास टाइप की एनर्जी को करिस्पॉन्ड करती है। तो बेसिकली फिजिक्स जो है वो एनर्जी की स्टडी है। तो एनर्जी हर चैप्टर में आएगी। तो हो सकता है कि कोई मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आए लेकिन उसके अंदर इस चैप्टर का इस्तेमाल हो, या कोई हीट का क्वेश्चन आए लेकिन उसके अंदर इस चैप्टर का इस्तेमाल हो, या मैग्नेटिज्म के अंदर कोई क्वेश्चन आए और उसके अंदर भी इस्तेमाल हो। तो ये जो वर्क और एनर्जी चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब डायरेक्ट सिर्फ वर्क और एनर्जी पे सवाल देखो तो कम आते हैं, 2-3 साल में एक बार आते हैं, लेकिन वैसे ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं इसके, क्योंकि हर चैप्टर में, जैसे न्यूटन्स लॉ और वर्क और एनर्जी, ये दो, जैसे फोर्स और एनर्जी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स में हर जगह आपको मिलेंगी। तो वर्क और एनर्जी जो चैप्टर है, इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। तो इस चैप्टर को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। मतलब पढ़ना तो सब कुछ अच्छे से है, लेकिन ये फंडामेंटल चैप्टर्स में है जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। जो फाउंडेशन स्टोन्स होते हैं, जो पिलर्स हैं, उनके ऊपर टिकी हुई है फिजिक्स। तो मैं वर्क और एनर्जी जो है स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहले मैं वर्क के बारे में बात करूंगा। वर्क, वर्क क्या होता है? फिजिक्स में वर्क का जो मतलब है वो वही मतलब होता है जो रियल लाइफ में वर्क का मतलब होता है। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, डस्टर है, सपोज करो ब्लॉक है, मैं इसको यहां से उठा के यहां ले गया, मैं यहां से उठा के यहां ले गया, तो मैंने कुछ वर्क किया होगा। अब क्या है कि, या जैसे मान लो सीढ़ी है, मैं सीढ़ी पे चढ़ता चला गया, तो सीढ़ी पे चढ़ता चला गया तो मैंने कुछ वर्क किया होगा। यानी जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा होगा। अब मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इसको मैं खूब ताकत से धक्का दूं और 1 घंटे तक इसी को धक्का दिए जाऊं, तो क्या वर्क होगा क्या? मान लो मैं पूरी जान लगा के तोड़ दूं बोर्ड, ठीक है, पीछे इसके जो गैप है तोड़ दूं मैं इसको, तो क्या वर्क करूंगा? वर्क नहीं करूंगा। वर्क तभी होगा जब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स यानी एफर्ट लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में आपका एफर्ट है अगर उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो उसी को हम लोग तभी वर्क माना जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे समझें कि एक कोई एग्जाम आपने दिया, मान लो स्कूल का एग्जाम आप दे रहे हैं अपने, या कोचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, और कोचिंग का एग्जाम दिया आपने और आपके 30% मार्क्स आ गए, मान लीजिए बहुत कम नंबर आ गए, बिल्कुल आप परेशान हो गए, रोने धोने लगे, और आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा और दिन रात पढ़ूंगा और अगला एग्जाम फोड़ दूंगा मैं, ऐसा आपने सोचा। तो पिछले एग्जाम में 30% आए, आपने दिन रात मेहनत करी और पूरा ताकत से पूरा पढ़ करके हिम्मत के साथ एग्जाम दिया और अगले एग्जाम में आपके 25% नंबर आ गए, तो वर्क आपका कैसा हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ कि नेगेटिव हुआ? ऑब्वियसली नेगेटिव हुआ। जब आप थोड़ा बहुत एफर्ट डाल रहे थे तब तो डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा था, एफर्ट आपने बढ़ा दिया, डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में होने लगा, तो वर्क नेगेटिव हो गया। तो वर्क जो है वो तभी होगा, पहली बात समझे, कि जिस डायरेक्शन में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप दिन रात पढ़ते हैं, 24 घंटे में आप 16-17 घंटे पढ़ाई करते हैं और बिल्कुल सोते नहीं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके नंबर नहीं आते, तो आपका वर्क जो है नेगेटिव आ रहा है, वर्क नहीं हो पा रहा है या जीरो वर्क हो रहा है। कोई बच्चा है 3 ही घंटे पढ़ता है स्मार्ट तरीके से और उसके बाद वो अच्छे नंबर लाता है। खैर, ये स्मार्ट तरीका क्या होता है ये डिस्कशन का इशू है, मैं इस पर अभी नहीं बात करूंगा, पढ़ना तो हम सबको चाहिए। लेकिन कोई अगर कम कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहा है, एफर्ट के डायरेक्शन में रिजल्ट उसको ज्यादा मिल रहा है, तो वर्क ज्यादा होगा। तो वर्क बेसिकली फिजिक्स में ही इसी तरह से डिफाइन किया गया है। फिजिक्स के अंदर जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो वर्क को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, DW से दिखाते हैं। डेफिनेशन इसकी जो बनी है वो है F.DS, ठीक है, DW जो है वो F.DS है। अब इसके अंदर F जो है क्या है, DW क्या है, ये मैं लिख देता हूं। पहली बात तो ये मैं लिख देता हूं DW क्या है। DW जो है, ध्यान से समझिएगा, वर्क डन बाय द फोर्स F। हो सकता है इस बॉडी पे 75 फोर्स लग रहे हो
लेकिन ये जो DW है वो इस वाले F का वर्क है। कोई F1 फोर्स लग रहा होगा तो उसका वर्क F1.ds आएगा, कोई उसी के ऊपर मान लो F2 लग रहा है तो उसका वर्क F2.ds आएगा। ये जो F लग रहा है उसका वर्क DW है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि DS क्या है, DS जो है जिस जगह पे फोर्स लग रहा है, जो भी जगह है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस जगह पे फोर्स लग रहा है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो DS जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस जगह पे फोर्स लग रहा है ना उस जगह का डिस्प्लेसमेंट कितना है। वो जगह रुकी हुई है, अगर जिस जगह पे मैं फोर्स लगा रहा हूं वो जगह रुकी हुई है तो वर्क नहीं आएगा। वर्क तभी आएगा जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस जगह पे फोर्स लग रहा है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो DS जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और DW जो आया था वो F.ds आया था। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, मान लो मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं 0 से W, ठीक है, और ये जो भी प्रॉपर लिमिट्स होंगी, जो भी लिमिट होंगे, मान लेते हैं A to B लिमिट है, जो भी लिमिट है मुझे नहीं पता है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो W इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ F.ds विद प्रॉपर लिमिट, जो भी लिमिट होंगी। अब इसमें देखिए दो बातें आती हैं, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तब तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल DS जो है वो S हो जाएगा, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स के केस में फिर F को आपको S के टर्म में लिखना पड़ेगा और लिख करके आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्क डन W जो है वो इंटीग्रल F.ds है। ये तो जनरल बात होगी, लेकिन ये समझ लो कि 95% तक सवाल जो आए हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, उनमें क्या होता है, फोर्स कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर F कॉन्स्टेंट है, ये तो जनरल बात होगी कि एफ वेरिएबल है तो आप एफ और एस को रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एफ कांस्टेंट है, और जब मैं बोलता हूं ना कि कोई वेक्टर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर मैं किसी भी चीज को कांस्टेंट बोलता हूं तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तो अगर वेक्टर एफ कांस्टेंट है तो ये वेक्टर एफ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, W इज इक्वल हो जाएगा एफ डॉट इंटीग्रल DS, W जो है वो F डॉट इंटीग्रल DS हो जाएगा, और ये गया 0 से वेक्टर S, और हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये F डॉट वेक्टर S का इंटीग्रेशन S ही हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा F डॉट S। ध्यान रखें कांस्टेंट फोर्स है अगर, और कांस्टेंट जब मैंने बोला तो उसका मतलब ना तो उसकी वैल्यू बदलनी चाहिए ना उसका डायरेक्शन बदलना चाहिए। तो W जो है वो F डॉट S के बराबर है, और F का ना तो डायरेक्शन बदल, सॉरी F जो है वो कांस्टेंट अगर है तो W F के बराबर है। अब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में, मैंने आपको बता रखा है कि डॉट प्रोडक्ट में एंगल अगर 0 से 90 के बीच है तब तो पॉजिटिव आता है, अगर 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, और अगर एंगल 90 से 180 के बीच है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। वर्क डन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 90, ये वर्क डन 0 भी हो सकता है फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, और ये वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, फॉर 90 लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू 180। वर्क डन है ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू ये वर्क डन ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। अब ये तो वर्क डन की बात आ गई, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सब लोग जानते हैं इसका यूनिट जूल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं वर्क इज स्केलर, पहली बात। दूसरी बात, यूनिट इसका जूल होता है, SI यूनिट या MKS यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, SI यूनिट जूल होता है, और एक जूल जो होता है वो 10^7 अग्स के बराबर होता है, जहां अग्स इसका CGS यूनिट है, ध्यान रखें अर्ग इसका CGS यूनिट है। तो एक जूल 10^7 अग्स के बराबर, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट में अगर हम वर्क करेंगे तो एक जूल इसके बराबर आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आपको छोटे छोटे सवाल मैं दूंगा आपको पहले वर्क को समझाने के लिए, आपको करने नहीं है, बस मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, और वो भी इसलिए कि एक बार वर्क की थोड़ी फीलिंग आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक का जो मास है 1 kg है, और जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज
0.4, फ्रिक्शन कॉफिशियंट 0.4 है और हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, ठीक है। और 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इस ब्लॉक को हमने सपोज करिए 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 मीटर हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो अभी देखें 10 न्यूटन तो आगे लग रहा है, 10 नीचे लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। कुल मिला के 4 फोर्स इस पे लग रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रेविटी लग रहा है mg, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक 10 न्यूटन हम आगे की तरफ लगा रहे हैं, अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी आसानी से हम निकाल भी सकते हैं, एफ इज इक्वल टू जो आएगा वो म्यू वन आ जाएगा, एफ की जो वैल्यू आएगी वो म्यू वन के बराबर हो जाएगी। म्यू कितना है 0.1, म्यू जो है वो 0.1 के बराबर, सॉरी 0.4 के बराबर है, ठीक है। और n की जो वैल्यू आ रही है वो 10 के बराबर आ रही है, n जो है वो 10 के बराबर आ रहा है। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो 0.4 इंटू 10 तो ये कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन आ गया, तो फ्रिक्शन आ गया 4 न्यूटन। अब इसमें सवाल क्या क्या बन सकते हैं, 4 फोर्सेस हैं। सवाल ये भी बन सकता है कि इसका वर्क निकालो या इसका निकालो या इसका निकालो या इसका निकालो, ये भी कह सकता है कि टोटल वर्क निकालो। तो मैं दोनों तरह से इसको बताने जा रहा हूं आपको, अलग अलग फोर्स का भी वर्क हम निकाल सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आपसे कहता है कि ग्रेविटी का वर्क निकालो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो ध्यान से देखिए ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो वर्क डन एफ डॉट एस के हिसाब से 0 हो जाएगा। भाई ग्रेविटी इधर लग रहा है, जा इधर रहा है, तो फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क 0 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखें आप नॉर्मल जो है, नॉर्मल का वर्क आपसे पूछे तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट आगे रहा है, एंगल 90 डिग्री, तो इसका भी वर्क 0 आएगा। ये 10 न्यूटन के फोर्स का वर्क अगर आपसे पूछे तो 10 न्यूटन के फोर्स का जो वर्क आएगा, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूं, तो ये 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हो रहा है इसका, 2 मीटर का फोर्स 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है इसका 10 × 2, तो कितना हो जाएगा ये 20 जूल, ये हो गया। आपसे कोई कहे फ्रिक्शन का वर्क बताओ, फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क अगर आपसे कोई कहता है तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस ऑफ 4 × 2 −8 जूल। अब आपसे कोई कहता है कि ये तो बने, इसका वर्क 0 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका 40, इसका 20 आ गया, इसका 8 आ गया, −8 आ गया, आपसे कहता है टोटल वर्क बताओ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 − 8 यानी 12 जूल के बराबर जाएगा। तो जो टोटल वर्क की वैल्यू आएगी 12 जूल के बराबर जाएगी। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वर्क। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वर्क का मतलब यह है कि जो वर्क है उसको ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे समझें, कि मतलब क्या इसका मतलब है। तो जैसे देखें ये एक मान लीजिए ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है एफ थीटा एंगल पे, और हमने इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कर दिया एस के बराबर। तो अब वर्क डन अगर मुझे निकालना है, इस फोर्स एफ का मुझे वर्क निकालना है, तो इस फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होगा, एफ एस कॉस थीटा, F into S into cos theta के बराबर होगा। अब ध्यान से देखें, मैं इसी चीज को लिख सकता हूं F cos theta into S, या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं F into S cos theta। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स है into डिस्प्लेसमेंट, या इसी चीज को मैं लिख सकता हूं फोर्स into डिस्प्लेसमेंट along the force। मतलब आपको क्या करना है कि जैसे पार्टिकल जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वही इंपॉर्टेंट है, जैसे एफ कॉस थीटा ही इंपॉर्टेंट है, बाकी एफ साइन थीटा का कोई रोल नहीं होगा। तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट के जैसे जो भी फोर्स लग रहा है उसका आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लो, वही कंपोनेंट जो है वही वर्क के लिए जिम्मेदार होगा, दूसरा वाला कंपोनेंट वर्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलोंग S इंटू एस, या इसी चीज को मैं लिख सकता हूं S along F, S cos theta क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में होगा, S along F इंटू F, ऐसे भी लिख सकता हूं।
मतलब फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दो या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स का डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वर्क की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकली वर्क को हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है, वर्क जो है ज्योमेट्रिकली इस तरह से देखा जाता है। अब ये जो वर्क की डेफिनेशन हमने आपको बताई, इस वर्क की डेफिनेशन पे बहुत सारे जो है वो सवाल बनते हैं, तो एक एक करके उन सवालों पर हम लोग आते हैं, धीरे धीरे करके एक एक सवालों पर हम लोग आते हैं। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये आता है, एक लड़का है ठीक है, और इस लड़के का मास क्या है 50 किलो ठीक है, और किसी सरफेस पे दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते मान लेते हैं कि ये 100 मीटर की रेस पे दौड़ रहा था, 100 मीटर दौड़ गया ये, लड़के का मास है 50 किलो और ये लड़का 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है, और लड़के का एक्सेलेरेशन भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलेरेशन से लड़का चल रहा है, वेलोसिटी की जानकारी नहीं दी है लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, और जैसे सब लोग दौड़ते हैं वैसे ये लड़का भी दौड़ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई ये खास तरह से दौड़ रहा है, जैसे नॉर्मल रनिंग होती है उस तरह से ये लड़का रन कर रहा है ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, बॉय ब्लॉक नहीं है ये, सॉरी बॉय, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉय, फ्रिक्शन फोर्स इस लड़के पे कितना काम कर रहा है। पॉज लेंगे 2 मिनट का, फिर देखेंगे आर्य सर का सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स इस लड़के पे कितना काम कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि जब कोई लड़का जमीन पे चलता है, हम जमीन पे चलते हैं, तुम जमीन पे चलते हो, तो चलते समय फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है ये देखें। जैसे मैं जमीन पे चल रहा हूं, तो मैं जब जमीन पे चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धक्का दूंगा, तो अब पैरों को जमीन से पीछे की तरफ धक्का दूंगा मैं, तो जमीन तो पीछे नहीं जाएगी, तो अब फ्रिक्शन मैं अपने पैरों से जमीन पर फ्रिक्शन पीछे लगाऊंगा तो जमीन मेरे ऊपर फ्रिक्शन आगे लगाएगी और उसी के कारण मैं चलूंगा ठीक है। तो जब कोई लड़का चल रहा है तो इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है, सोचो जरा दिमाग पे जोड़ डालो कि इसको कौन सा फोर्स चला रहा होगा। नॉर्मल तो चला ही नहीं रहा, नहीं तो उड़ जाता, ये एमजी होता तो अंदर धंस जाता, फ्रिक्शन अगर पीछे लगता तो ये पीछे जाता, लेकिन ये तो आगे की तरफ जा रहा है, तो इस लड़के को आगे बढ़ाने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। जब हम आप कोई भी चलते हैं जो है, तो उसके हमारे आप जब चलते हैं तो हमारे पैरों पे जो फ्रिक्शन लगता है ना वो आगे की तरफ लगता है ठीक है, जब हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। हाँ, जब स्पीड कम कर रहे होंगे तो पीछे की तरफ लगने लगेगा, तो हमारे पैरों पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है और यही फ्रिक्शन फोर्स इस लड़के को मूव कराएगा ठीक है। अब यही फ्रिक्शन फोर्स अगर लड़के को मूव कराएगा तो हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखें, तो लड़के पे फ्रिक्शन मान लिया एफ लग रहा है, ये बराबर होगा लड़के का मास इंटू लड़के का एक्सेलेरेशन, तो लड़के का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 50 मीटर्स, F बराबर ma, मास 50, एक्सेलेरेशन तो 50 न्यूटन इसका फोर्स हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर 50 न्यूटन के बराबर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका 100 मीटर हो रहा है, तो जो वर्क डन आएगा, पहला जो विचार मन में आता है जो आपने किया होगा वो मैं बता रहा हूं, फिर मैं अपनी भी बात रखूंगा, तो जो वर्क डन आएगा फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन के बराबर और 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5000 जूल के बराबर हो जाएगा, यही आपका आंसर आया होगा, लेकिन ये गलत आंसर है ठीक है। गलत क्यों है, इसके लिए हमें वर्क की जो डेफिनेशन है उसको बहुत बारीकी से देखना होगा, बिल्कुल एकदम बारीकी से हम वर्क की डेफिनेशन अगर देखें तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस जो आया था वो बेसिकली एस उस जगह का डिस्प्लेसमेंट था जिस जगह पे फोर्स लग रहा है। अब लड़का जब चलता है या कोई भी चलता है नॉर्मल तरीके से जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पैरों पे जो फ्रिक्शन लगता है कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक, सोचिए जरा सोचिए, हमारे पैरों पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब हम वॉक करते हैं तो वॉक करते करने के दौरान हमारे पैरों पर स्टैटिक लगता है, देखिए जरा मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए जैसे ये चल रहे हैं, तो चलते समय क्या होता है, एक पैर जमीन पर रहता है, दूसरा आगे बढ़ता है, फिर दूसरा जमीन पे आ गया, आप पहला आगे बढ़ता है, तो जिस जगह पर फ्रिक्शन लग रहा है उसको जरा ध्यान से देखिए, जिस जगह पर फ्रिक्शन लग रहा है वो जगह रुकी हुई है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इनफैक्ट हमारे पैरों पे जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और एक पैर जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है वो रुका रहता है,
एक आगे बढ़ता है, फिर जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो रुका रहता है, दूसरा आगे बढ़ता है। तो जिस जगह पे फ्रिक्शन लग रहा था, एस क्या था, उस जगह का डिस्प्लेसमेंट था जिस जगह पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस जगह का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना, जिस जगह पे यानी मेरे पैरों पर जिस जगह पे फ्रिक्शन लग रहा था वो जगह तो रुकी हुई थी, देखो पूरी बॉडी आगे बढ़ रही है, फिर ये रुक गया, अभी आगे बॉडी बढ़ रही है। तो जिस जगह पे फ्रिक्शन लग रहा है उस जगह का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यहां पर जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आएगा ना, फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो जीरो आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज जीरो, फ्रिक्शन फोर्स का वर्कडन यहां पर जीरो आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर है, ठीक है। जिस जगह पर फ्रिक्शन लग रहा है उस जगह का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर है, ठीक है। और कॉमन सेंस की बात भी है, ठीक है, गणित वणित अपनी जगह है। मान लो कि मैं 100 मीटर दौड़ लगाता हूं, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ लगाता हूं, तो मैं थकूंगा कि जमीन थकेगी, ये बताओ, थकान किसको होगी, जमीन को थोड़ी होगी यार, मुझे थकान होगी ना, मुझे भूख लगेगी, मुझे प्यास लगेगी, मेरी अंदर की एनर्जी जाएगी, जमीन की थोड़ी जाएगी। तो जमीन यहां पे वर्क नहीं कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स यहां पे वर्क नहीं कर रहा है, यहां पर जो भी वर्क है हमारी बॉडी के इंटरनल फोर्सेस कर रहे हैं। और एकदम ऑब्वियस बात, दौड़ के देखो इस क्वेश्चन की तुरंत फील आ जाएगी, किसने वर्क किया, ग्राउंड ने वर्क किया कि आपके दोस्त ने वर्क किया कि किसने किया, आपने खुद ने किया ना, थकान आपको हो रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब लड़का दौड़ता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करता है और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क जीरो होता है। यहां पर जो भी वर्क आता है वो लड़के की बॉडी के इंटरनल फोर्सेस या मसल फोर्सेस का वर्क है, ठीक है। तो ये बात भी मैं नोट कर रहा हूं, हियर वर्क इज डन बाय द मसल फोर्सेस inside here, work is done by the muscle forces inside the body of the boy, ठीक है, बॉडी की, लड़के की बॉडी के अंदर के जो फोर्सेस हैं उसने यहां पे वर्क किया होगा। और इसमें वर्क की जो डेफिनेशन है उससे जुड़े हुए कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे एक इसके अंदर बड़ा अच्छा सवाल आता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हाई जंपिंग करते हैं, तो एक लड़का है जो बड़ी अच्छी जंपिंग करता है, बिल्कुल एकदम बहुत शानदार। अच्छा जंपिंग कैसे होती है, अगर आपको जंप करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे खड़े होंगे और मुस्कुराएंगे एकदम से उछल जाएंगे। जंप करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप नीचे जाएंगे, एनर्जी भरेंगे, ऐसे एनर्जी भरेंगे और एकदम से एनर्जी रिलीज करेंगे और ऊपर चले जाएंगे, जंपिंग का प्रोसेस यही होता है। तो ये लड़का बड़ी अच्छी जंपिंग करता है और अभी फिलहाल ये ऐसे नीचे जा करके और इसने अपने आप को पूरा एकदम तैयार कर लिया जंपिंग करने के लिए। और जब ये जंपिंग करने पहुंचा है तो मान लो बहुत ऊंचाई तक ही जंप कर गया, बहुत ऊंचाई तक चला गया, लड़के का मास एम है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेंटर ऑफ मास का अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इसका एच डिस्प्लेस हुआ है, लड़के का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच के बराबर है, कुल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉय। भाई जब लड़का जंप लगा रहा होगा, जंप लगा रहा होगा तो उसके पैरों पे नॉर्मल लग रहा होगा ना, ठीक है, तो जो उसके पैरों पे नॉर्मल लग रहा होगा, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग, फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग। जब ये लड़का अपवर्ड जंप कर रहा है, ऊपर की तरफ जंप कर रहा है, तो इसके पैरों पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉय ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड जंपिंग। तो अपवर्ड जंपिंग के दौरान इस पे कितना नॉर्मल लग रहा है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए एक मिनट का पॉज लेके फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखेंगे।
अब इसमें मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जब लड़का जंप लगाता है, ठीक है, तो जो वर्क की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से मैं चलूं। वर्क की डेफिनेशन क्या है? एफ डॉट एस, एस उस जगह का डिस्प्लेसमेंट है जिस जगह पे फोर्स लग रहा है। तो जब ये लड़का जंप लगा रहा होगा, ठीक है, जब भी ये लड़का जंप लगा रहा होगा तो कैसे लगा रहा होगा, जरा देखिए। ये मान लीजिए लड़का है, उसके दोनों पैर हैं, जंप लगाने के लिए पहले तो ऐसे थोड़ा झुकेगा और एकदम से रिलीज करेगा। तो जब ये हवा में आ चुका है तो इसके पैरों पे नॉर्मल लगना बंद हो गया है, और जब तक ये उछल रहा था तब तक देखिए पूरी बॉडी इसकी ऊपर जा रही है, लेकिन नॉर्मल जिस जगह पे लग रहा है जूते, जैसे मैं ऐसे मान लीजिए ऊपर उठ रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन मेरे जूते तो रुके हुए हैं ना, तो जिस जगह पे नॉर्मल लग रहा है वो जगह तो रुकी हुई है। भाई जब ये जंप लगाएगा, देखिए ऐसे जंप लगा रहे हैं तो पूरी बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन जिस जगह पे नॉर्मल लग रहा है सबसे फिर लोएस्ट पॉइंट वो जगह रुकी हुई है, और जब एक बार हवा में आ गया तो नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा। तो जिस जगह पे नॉर्मल लग रहा है उस जगह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहां पर नॉर्मल फोर्स का वर्क जीरो होगा। सवाल अब ये भी पैदा होता है कि हाँ वर्क करेगा कौन? अरे तो भाई तो लड़का वर्क करेगा ना, 10 बार उछल के देखो, जो मेहनत होगी वो लड़के की है ना, तो लड़के की मेहनत है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स यहां पर वर्क कर रहा होगा। इस तरह से जीरो होगा नॉर्मल फोर्स का वर्क, क्योंकि जिस जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो जीरो के बराबर है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जीरो होगा। और यहां पर जो सच में काम हो रहा है, उछलने वाला काम लड़का कर रहा है, तो लड़के की बॉडी के जो मसल फोर्सेज है वही वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, द वर्क इज डन बाय इंटरनल फोर्सेज, वर्क इज डन बाय इंटरनल फोर्सेज। यहां पर जो भी वर्क हो रहा है वो लड़के की बॉडी के इंटरनल फोर्सेज कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेज ही यहां पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल, लड़के की बॉडी के इंटरनल फोर्सेज यहां पर वर्क कर रहे हैं। सवाल ये समझिए, सपोज करो कि एक ट्रेन है, बहुत सारे डिब्बे होते हैं, मैं 2-3 ही बना रहा हूं, ये ट्रेन है और ये ट्रेन छुक छुक ट्रेन है। अब तो ऐसी छुक छुक ट्रेन नहीं आती, लेकिन मान लो ये छुक छुक ट्रेन है और ये ऐसे ही जमीन पे खड़ी हुई है, और एक लड़का है, उसको अपनी ताकत का घमंड हो गया, ट्रेन का जो मास होता है वो करोड़ों टन में होता है, लाखों टन में तो होगा ही कम से कम, तो ये लड़का जो है इसको अपनी ताकत पे घमंड हो गया है, और ये लड़का जो है ट्रेन को धक्का देके चलाना चाहता है। ये ट्रेन क्या गया, धक्का दे दिया उसने ट्रेन को, मैं ट्रेन को चलाऊंगा, ऑब्वियसली ताकत का घमंड होगा, थोड़ा सा मतलब खिसका हुआ होगा, जो भी आप कहें, तो ये ट्रेन को धक्का देके चलाना चाहता है और पूरा सिंसियरली ट्राई कर रहा है, और ये ट्रेन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ना, 200 न्यूटन का फोर्स भी लगा रहा है, और भाई तो जो इसके औकात है उतना लगा रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स ट्रेन के ऊपर लगा रहा है और ट्रेन को ये धक्का देके चला देना चाहता है, पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी जान पसीना पसीना है, लेकिन ट्रेन टस मस नहीं होगी, आपको भी पता है। अचानक से क्या होता है, ड्राइवर ट्रेन के अंदर आता है, ट्रेन को स्टार्ट करता है, ट्रेन चल पड़ती है, ट्रेन चल पड़ती है तो लड़का एकदम खुश हो जाता है, इसको लगता है वाह भाई भाई मैंने ट्रेन चला दी। तो अब ये लड़का ट्रेन को वैसे ही उतना ही फोर्स लगाते हुए ट्रेन के पीछे पीछे भागता है। ठीक है, तो मैं अब इसी बात को लिखता हूं, द ड्राइवर स्टार्ट्स द ट्रेन एंड द बॉय मूव्स and the boy moves behind the train and the boy moves behind the train with the driver starts the train and the boy moves behind the train with moves behind the train by 10 meter applying the 200 Newton force, applying the 200 Newton force. The driver starts the train and boy moves behind the train by 10 meter applying the 200 Newton force. 200 Newton का force लगाते हुए ये इसके पीछे जा रहा है। ठीक है, अब ये 200 Newton का force लगाते हुए इसके पीछे की तरफ जा रहा है, तो जो work done आएगा वो कितना आ जाएगा, work done होता है force into displacement, फोर्स आपका आ गया 200 न्यूटन। ठीक है,
एक मिनट, क्वेश्चन तो पूरा लिख दूं, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द बॉय, ठीक है, लड़का कितना वर्क कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व मत करें, मैं बता देता हूं। इसके अंदर लड़का जो है वो ट्रेन को चला तो नहीं पा रहा, ये बात सही है, लेकिन जब ट्रेन चलने लग गई है, जब ट्रेन चलने लग गई है तो थोड़ा बहुत तो लड़के के कारण ट्रेन की एनर्जी में भी वो तो आएगा, एनर्जी बढ़ेगी। लड़का ट्रेन को नहीं चला पा रहा, ट्रेन को चलाने वाला कोई और फोर्स है, मैं उस फोर्स का वर्क आपसे पूछ भी नहीं रहा हूं कि ट्रेन को चलाने वाला कितना वर्क है या इंजन का वर्क कितना है, मैं तो सिर्फ लड़के का वर्क पूछ रहा हूं। वैसे तो इसके ऊपर करोड़ों जूल का वर्क होगा तभी ये ट्रेन चलेगी, लेकिन अगर इस लड़के का वर्क पूछा जाए तो भाई वर्क की जो हमारी डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन के हिसाब से ये लड़का इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर का हो रहा है, तो जिधर फोर्स है जिस जगह पे फोर्स लगा रहा है वो जगह रुकी थोड़ी, वो जगह तो आगे बढ़ रही है, 10 मीटर आगे बढ़ गई, तो ये फोर्स आपका आ गया 200 और डिस्प्लेसमेंट 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 2000 जूल। तो 2000 जूल के बराबर लड़का वर्क करेगा। अब इसमें यही आता है कि लड़का ट्रेन चला तो नहीं पाया, लेकिन चलती ट्रेन को इसने थोड़ा बहुत तो एफर्ट मार करके एक्सेलरेट किया ही है, तो जब ट्रेन चल रही है तो उस हिसाब से जो वर्क डन आ जाएगा 2000 जूल के बराबर आ जाएगा, ठीक है।